नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल के अंदर। तो फ्रेंड, जैसा कि आपको पता है कि आज हो चुकी है फाइनली 18 तारीख, यानी आज आपके इंडियन नेवी SSR MR के जो है एडमिट कार्ड आने वाले हैं, और समथिंग 12-1 बजे के एडमिट कार्ड्स कितने बजे आप डाउनलोड कर सकते हो, टाइम भी फिक्स्ड इंडियन नेवी की तरफ से कर दिया गया है। यानी आफ्टर 6 o'clock के बाद अपने जो एडमिट कार्ड्स है आप अपने डाउनलोड कर सकते हो ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर। ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा फ्रेंड्स। और मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में आपको किस तरीके से अपने एडमिट कार्ड को है जो डाउनलोड करना है ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर, जिससे कि आपको कोई परेशानी ना हो। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, थोड़ा सा भी स्किप ना कीजिएगा। इससे पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल पर नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स अभी आज इनके एडमिट कार्ड्स आ जाएंगे सभी कैंडिडेट के SSR MR के। तो इनके एग्जाम है जो कि 23 से 28 फरवरी तक है जो चलने वाले हैं, और किस तरीके से एग्जाम का पैटर्न आ रहा है वो भी मैं आपको इस चैनल पर बताने वाला हूं। तो आप मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट कर सकते हो। चलते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर और देखते हैं किस तरीके से आपको है जो अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड करने हैं। तो जैसे कि फ्रेंड्स आप देख सकते हो हम आ चुके हैं इंडियन नेवी की ऑफिशियल वेबसाइट पर। ऑफिशियल वेबसाइट पर आने के बाद यहाँ पर ये जो लॉगिन वाला सेक्शन दिखाई दे रहा है, इस लॉगिन वाले सेक्शन पर है जो आपको क्लिक कर देना है फ्रेंड्स। और लॉगिन वाले सेक्शन पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके साथ ओपन होने के बाद यहाँ पर क्रिएट एन अकाउंट और लॉगिन वाला जो सेक्शन आएगा, जो कि लॉगिन वाला सेक्शन है वो नीचे दिखाई देगा आपको इस तरीके से। ये जो लॉगिन वाला सेक्शन है इस तरीके से आपके सामने फिल कर देना है आपको, ई रजिस्टर्ड ईमेल आईडी, और यहाँ पर अपना पासवर्ड फिल कर देना है, यहाँ पर अपना कैप्चा फिल कर देना है, फिर यहाँ पर आपको लॉगिन पर क्लिक कर देना है। तो फ्रेंड्स अपने जितने भी साथी हैं जो अपना फॉरगेट पासवर्ड भूल गए हैं तो वो अपना फॉरगेट पासवर्ड करके अपना दूसरा पासवर्ड बना लें, वरना बाद में साइट पर जो प्रेशर बढ़ जाएगा और अपना फॉरगेट पासवर्ड करने में आपको बहुत ही परेशानी होगी। इसी वजह से फ्रेंड्स मैं आपको बता दूँ कि 4:15 हो चुके हैं और आपके लिए मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, तो इसीलिए कर रहा हूँ कि आप यदि पासवर्ड भूल गए हो तो अपना पासवर्ड फॉरगेट कर लीजिए फ्रेंड्स, वरना आपको परेशानी हो सकती है बाद में। तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पर ईमेल डाल देना है, यहाँ पर पासवर्ड डाल लेना है, यहाँ पर कैप्चा फिल कर देना है, यहाँ पर लॉगिन कर देना है। तो मैं कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स अपनी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पासवर्ड और अपना कैप्चा फिल करने के बाद, लॉगिन करने के बाद कुछ इस तरीके से आप अपनी प्रोफाइल में चले जाओगे, और प्रोफाइल में जाने के बाद सेम इस तरीके से आपके सामने इंटरफेस ओपन हो जाएगा। इंटरफेस ओपन होने के बाद यहाँ पर आपने जो भी फॉर्म फिल किए हैं वो सारे फॉर्म्स आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। तो फ्रेंड्स मैं आपको बताता हूँ MR के, मैंने MR का अप्लाई किया था, तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो व्यू ऑल लिखा दिया रहा है उस पर क्लिक कर देना है व्यू पर, और आप है जो अपनी जो भी फॉर्म क्लिक किया है उसमें आप एंटर हो जाओगे। तो फ्रेंड्स मैं आपके लिए बता देता हूँ, मेरे भाई व्यू पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा, और यहाँ पर देख सकते हो आपकी यहाँ पर जिस तरीके से ये दिखा हुआ है रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, ये ग्रीन हो रखा है। जैसे आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा यहाँ पर शॉर्ट लिस्टिंग आ रहा है, यहाँ पर क्या है डाउनलोड एडमिट कार्ड का ऑप्शन आएगा, और ये वाला जो सेक्शन है ये भी इसी तरीके का ग्रीन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आपको मैंने आपको बता दिया है कि आप, और बाकी फ्रेंड्स जैसे यहाँ पर ग्रीन हो जाएगा आप अपना एडमिट कार्ड है जो डाउनलोड कर पाओगे सिंपली यहाँ से। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, आपको पता चल गया होगा कि आप अपने एडमिट कार्ड को है सिंपली कैसे डाउनलोड कर पाओगे। इसके अलावा फ्रेंड्स मैं आपके लिए बता दूँ कि यदि आप अपना पासवर्ड भूल गए हो कोई भी कैंडिडेट, तो अपना फॉरगेट पासवर्ड कर लीजिएगा, ना आपको बाद में प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा फ्रेंड्स मैं आपके लिए बता दूं कि आप मेरे से चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपके लिए ये चैनल बहुत ही बेनिफिशियल हो सकता है, क्योंकि जैसे ही अभी एग्जाम इनके स्टार्ट हो जाएंगे के SSR MR के कैंडिडेट्स के, तो अपने जितने भी कैंडिडेट किसी का पहले होगा किसी का बाद में होगा, तो जिनका बाद में होगा उन सभी के लिए बहुत ही बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि मैं आपके लिए जितने भी कैंडिडेट का एग्जाम हो जाएगा उनके एग्जाम का रिव्यू पेपर है जो उनका रिव्यू भी लूँगा, और आपको बताऊँगा कि किस तरीके से आपका एग्जाम आ रहा है, एग्जाम पैटर्न क्या है, किस लेवल से आपका एग्जाम आ रहा है, आपको आप किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है, और आपको उसके अकॉर्डिंग है जो मटेरियल भी प्रोवाइड कराऊंगा। तो फ्रेंड्स मेक श्योर चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट कर सकते हो, वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं पंकज जोशी मिलता हूँ आपको एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।